मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया, एंट्री टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का दम रखती है। ओडिशा के बालासोर में 15-16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, यानी अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसे तैनात किया जाएगा ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। हालांकि अभी जो टेस्ट किया गया है वह बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे अब बदलकर ध्रुवास्त्र किया गया है। ये मिसाइल स्वदेशी है और इसकी क्षमता 4 किलोमीटर तक है। ये किसी भी टैंक को खत्म कर सकती है। ध्रुव हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। ऐसे में DRDO और सेना के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि अब किसी दूसरे देश पर ऐसी मिसाइलों के लिए निर्भरता नहीं रहेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है। ये प्रणाली सभी मौसम में दिन और रात के समय सक्षम है तथा पारंपरिक कवच के साथ ही साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशाली कवच के साथ युद्धक टैंकों को नष्ट कर सकती है। गौरतलब है कि चीन के साथ बॉर्डर पर लगातार तनाव की स्थिति है, ऐसे में सेना पूरी तरह से सतर्क है। दूसरी ओर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए DRDO स्वदेशी मिसाइलें बना रहा है। हम आपको बता दें कि जल्द ही भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं, जिसे अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। SPN9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।